हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी क्या होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंडोस्कोपी क्या है, लेप्रोस्कोपी क्या है, कोलोनोस्कोपी क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी क्या होती है? इसमें हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अपर पार्ट को एग्जामिन करते हैं। इसमें एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूड होते हैं। इसमें एक थिन लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसे एंडोस्कोप कहते हैं, हमारे मुंह के रास्ते डाली जाती है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अपर पार्ट को एग्जामिन करते हैं। यह एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी क्या होती है और इसमें कैसे यूज करते हैं? यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हमारे अब्डोमन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एग्जामिन करने और विभिन्न ऑपरेशन करने के लिए यूज करते हैं। इसमें लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब इंक्लूड होते हैं। इसमें एक स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे लेप्रोस्कोप कहते हैं। अब्डोमन के रास्ते स्मॉल इंसिजन करके डाली जाती है और अब्डोमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एग्जामिन करने के लिए, विभिन्न ऑपरेशन करने के लिए इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी क्या है? इसमें हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के लोअर पार्ट को एग्जामिन करने के लिए यूज करते हैं। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन जैसे कोलोन, रेक्टम, एनस इंक्लूड होते हैं। इसमें एक थिन लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसे कोलोनोस्कोप कहते हैं, हमारे गुदा मार्ग के रास्ते डाली जाती है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के लोअर पार्ट को एग्जामिन करते हैं। यह भी एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है।